केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुलायम सिंह को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान से आज उनके खिलाफ कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने बयानों से खुद अपनी पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़े किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी से गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने आज कानपुर शहर में बेनी प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के अलावा उन्हें जेल भेजने की भी मांग की। बेनी प्रसाद ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए मुलायम सिंह पर आतंकियों से संबंध रखने और यूपीए को समर्थन देने के बदले कमीशन लेने के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में बेनी बाबू ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया, लेकिन यह सपा कार्यकर्ताओं के गुस्से को कम करने में नाकाफी था। प्रदर्शनकारियों का कानपुर में हंगामा इस कदर बरपा कि उन्होंने एक ट्रेन को ही रोक दिया और बेनी प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। बेनी प्रसाद वर्मा ने हमारे राष्ट्रीय नेता जी को अशब्द बोले हैं, इसलिए हम लोगों ने ट्रेन रोक कर बेनी प्रसाद वर्मा का पुतला फूंका है और मांग की है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए और इन्हें जेल के अंदर बंद किया जाए। इस समय जहां डीएमके ने सरकार का साथ छोड़ दिया है, तो समाजवादी पार्टी ही सरकार की डूबती नैया की खेवैया बनी हुई है। सपा के लोकसभा में कुल 22 सांसद हैं, जिनका समर्थन सरकार के लिए बेहद जरूरी है। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी के संसदीय दल ने बैठक की। बोर्ड ने बेनी के बयान का पुरजोर तरीके से विरोध किया और आखिरी फैसला अपने नेता पर छोड़ा। बेनी प्रसाद के बयान से गुस्साए मुलायम से सोनिया गांधी ने बातचीत की थी, जिसके बाद अब इस मसले को खत्म माना जा रहा है।